हाय, दिस इज सुमित सेठी एंड यू आर वाचिंग इयान टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका इयान न्यूज में। आज हमारे बीच हजारों युवा दिल की धड़कन सुमित शेट्टी, डीजे कहे, म्यूजिक प्रोड्यूसर कहे, कुछ भी कह ले कम है, हजारों फिल्म नेता निर्माता सबके साथ काम कर चुके हैं। तो आइए हम उनसे जानेंगे उनके लेटेस्ट वीडियो एल्बम के बारे में, वीरा के बारे में। हाय, माय नेम इज सुमित सेठी एंड आई एम प्राउड स्टूडेंट ऑफ इयान स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था और मैं इनके बैच में 2000 में था। और मेरी ज़िंदगी की जो जर्नी है, जो तरक्की पता नहीं हुई नहीं हुई, मैं तो मेहनत ही कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट कर रहे इतना, उसके अंदर बहुत मेजर रोल है इयान स्कूल का, विच आई मैं तय दिल से और पूरी ज़िंदगी शुक्र गुजार रहूँगा अनुज भैया का, जो उन्होंने हमें लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करा है और करते रहते हैं हर बार। सर, आप अपने एल्बम वीरा के बारे में कुछ बताइए। हाँ, वीरा इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वीरा इज़ अ सॉन्ग जो मैंने और ऑनेस्टली युवा की धड़कन सुपरस्टार जैस्मिन सैंडलर्स के साथ ये गाना करा है। ये गाना अबाउट 1.5 साल तक हम बनाते रहे और इसमें बहुत मेहनत करी हमने इस गाने के अंदर, एंड और थोड़ा पंजाबी फोक को यूनाइट करा दोबारा। वी कॉल्ड ओल्ड हेरिटेज ऑफ पंजाब फ्यूज विड इन टू न्यू वे एंड इट्स लाइक अ पंजाब प्रोजेक्ट। और मेरा पिछला गाना नहर वाले पुल भी वॉज अमेजिंग। और इसमें एक बेस्ट पार्ट है कि सबसे कमाल बात है कि इस सुपरहिट गाने में दो नहीं, एक नहीं, अब तीन स्टूडेंट ऑफ इयान स्कूल हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी। एक लड़के हैं निखिल, हु वॉज सुपर्ब, हु इज़ डन द रैप इन द सॉन्ग। देर इज़ अ जेंटलमैन कॉल्ड डी कॉय, हु इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द म्यूजिक एंड सुपर्ब। और मेरे को लगता है ये यंग एज जनरेशन कमाल थी, मतलब ये कोलैबोरेशन मेरी लाइफ की बेस्ट कोलैबोरेशन थी है वो। तो सर, दो और यानियन से के साथ काम करके कैसा लगा? उनको कैसा काम करके लगा उनसे पूछिए। आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही? मेरे लिए तो छोटे भाई हैं, सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, बट हाँ, दे लर्नड अ लॉट फ्रॉम मी एंड इट वाज गुड कोलैबोरेशन, अच्छा है और मोर टू कम। सर, एल्बम का नाम वीरा क्यों रखा? पॉइंट एल्बम के नाम पे इतनी लड़ाई थी, बच्चा पैदा हो गया, नाम ही समझ नहीं आ रहा, कुड़मा रखे, वीरा रखें और दिन चकना दे रखें। तो लास्ट में फिर ऑनेस्टली ये बात मेरे दिल, मेरे को ये इसलिए लगता है कि इस गाने का नाम वीरा इसलिए रखा क्योंकि जब ये रैप आया मेरे पास तो इसमें जब आता था गल सुन वीरा, तो वो बड़ी कैच बन गई थी गाने की, तो मेरे को तब से स्ट्राइक हो गया कि गाने का नाम, पहले मैंने गाना जब बनाया था, सबसे पहली बार जब मैंने गाना बनाया था उसका नाम मैंने रखा था कुड़मा, कुड़मा कल्लणा क्यों आया, फिर उसको हमने चेंज करा, वीरा कल्लणा क्यों आया वे तू अज दी कड़ी। और इस गाने से मेरी बहुत इमोशंस जुड़े हैं। इस गाने में मैंने एक लाइन भी अच्छे से खुद लिखी है, इस लाइन का है, कट्ठे होके चाचियां ताइयां जागो विच रौनक लाइयां, कुड़ियां लहंगे पाके आईयां सज के पाबो है खड़ी। सो बेसिकली जब शादी होती है, घर में फंक्शन होता है, तो इट इज़ लाइक कट्ठे होके सारी चाची ताइयां, कट्ठी नहीं हो जाए, कट्ठे होके चाचियां ताइयां जागो विच रौनक लाइयां, कुड़ियां लहंगे पाके आईयां सच के, तो भाभी को हम पाबो बोल देने ना पंजाबी च, ओदा ही होता, तो सच के पाबो है खड़ी। सो इट इज़ लाइक दैट्स द लाइन आई रोट एंड इट वाज आई रियली फेल नाइस। 1.5 साल लग गए आपको इस गाने को लॉन्च करने में, तो क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी? आखिरी दिन तक ऑडियो वीडियो चेंज करते रहे। तसल्ली नहीं होती, आपको पता है मिस्टर परफेक्शनिस्ट के अंदर वाला जो कीड़ा था उससे भी ऊपर मेरे अंदर था। आखिरी दिन गाना सुबह रिलीज है, हम रात को 7 बजे गाना थोड़ा बहुत 1921 करे जा रहे हैं कि यार ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ऑडियो ऐसा नहीं ऐसा नहीं, बट हाँ फाइनली बैंड को। बॉलीवुड में भी आपने बहुत सारे गाने किए, चिटिया कलाइया हो गया, हिट स्टोरी 2 के अपने गाने के, हैंगओवर, किक के, तो फिर सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस किसका रहा? ये मीत ने धुन बनाई थी इन गानों की, मैंने अरेंजर था, मैं म्यूज़िक अरेंज करता था, और मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा ऑफकोर्स चिट्टियाँ कलाइयाँ, वो तो एंथम है, मतलब हर घर में, हर शादी, हर बच्ची चिट्टियाँ, वो उसके बगैर तो पार्टी नहीं होती ना। सर, डीजे से म्यूज़िक प्रोड्यूसर का सफ़र कैसा था? ऐसा ही हुआ कि जैसे स्टूडेंट से अब मैनेजमेंट MBA के टीचर बन जाओ। मतलब पैशन होता है, आप ये नहीं बोल सकते मैं आपको पैसा चल जब म्यूजिक बना ले, ऐसा नहीं होता, म्यूजिक दिल से है, वो रूहधारी का काम है, वो रूह से बनेगा। एक डीजे का क्या रोल होता है किसी भी गाने को पॉपुलर करने में? मतलब अगर डीजे का मेन रोल होता है वैसे, है ना, सिंगर प्रोड्यूसर भी बार बार इधर ही आते हैं, ब्रो प्लीज प्ले माई सॉन्ग।
तो डीजे इज द मेन बिट विच प्रमोट्स द सॉन्ग इनटू क्लब्स वेडिंग्स कॉन्सर्ट्स रेडियो एवरीवेयर। सर हमने सुना है कि आपने 55 आवर्स के कॉन्सर्ट में 20 आवर्स के लिए लगातार डीजे प्ले किया था। हाँ वो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। नेहरू स्टेडियम कैसे कर लिया सर आपने? अब इसकी डेफिनेशन नहीं है, नो वर्ड्स टू इट, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच आई हैव एवर डन। आई कांट, मतलब अब मैं 20 घंटे जाग भी नहीं सकता, अगर मेरे को जागा जाए ना, कि जागा ही नहीं जाएगा, फिर भी हमने उस टाइम बिना रिपीट करे गाना, सोचो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, कितने मिनट, 10 घंटे में 600 और 20 घंटे में 1200 मिनट, ठीक है। एक गाना कितने मिनट का? 3 मिनट एवरेज, डीजे वैसे 2-2.5 मिनट चलाते हैं। आप 1200 मिनट तक के गाने ही बता दो मुझे खाली, मैंने तो गाना रिपीट ही नहीं करा विदाउट रिपीटिंग अ सॉन्ग फॉर 1200 आवर्स। सर यान के बारे में कुछ बताइए, यान से जुड़ी कुछ यादों के बारे में। यान की यादें बड़ी कमाल हैं, दिल के बहुत करीब हैं। मतलब मैंने तब, इट गोज 18 ईयर्स बैक, सो आई रेड अ न्यूज़ पेपर एड सेइंग आपको RJ बनना है तो हमें फ़ोन करिए। घर में हमारे बड़ा सा फ़ोन लगा हुआ था, टका टक काले रंग का, पुराने ज़माने का, जिसकी कॉल इतनी महंगी, घर के राशन से भी महंगी आ रही थी उस टाइम तो कॉल। चोरी चिपे फ़ोन मिला, हेलो सर मेरे अंदर है, मैं RJ बनना चाहता हूँ, आ जाओ। फीस सुनी तो एक बार फ़ोन ही हाथ से गिर गया। मैंने फिर फ़ोन लगाया दोबारा, सर एक बार बोलूँ? हाँ जी बोलो। सर मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे और मैं लेके आ रहा हूँ, सिखाना ना सिखाना आपकी मर्जी, जब कमाऊँगा तो लौटा दूंगा। आज तक नहीं लौटाए, भैया ने लिए नहीं हमसे कभी, उतने जितने थे। तो वहीं से हमारी करियर की नींव शुरू हुई। RJ का कोर्स करा मैंने, DJing करी पहली बार मैंने, हमारे एक दिन इंटर्नशिप हुई कि आपको एज अ रेडियो प्रेजेंटर बनना है आधे घंटे के लिए। तो अब क्या करें, मेरे को क्लास में चौड़ा होने का शौक ही था कि मैं ही हूँ सर, आप संस्कृत कोई अलग अलग हिंदी की भाषाओं में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, मेरी 7 नस्लें, क्या बोल रहा था मैं, मेरी तीन नस्ल भी आपको शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, मतलब इतने भारी भरकम। तो मैंने कहा मेरी स्ट्रेंथ क्या, मेरी स्ट्रेंथ म्यूज़िक है। तो मैंने एक फ़नी सी स्क्रिप्ट बनाई, मैंने एक अपनी मासी के घर से प्लेयर लिया, एक दोस्त DJ था उसका मिक्सर लिया, एक और दोस्त का प्लेयर उठाया, 2 TCDs के प्लेयर और एक ये मिक्सर लगा के स्क्रिप्ट बना के मैंने पूरा रेडियो शो, वहीं से मेरे को किसी ने देख लिया, करे इस लड़के में तो टैलेंट है, यहीं खींचे और यहीं गेम करते, और कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करा, पैसा हमेशा आया, मनी फॉलोड। एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि आपने एट द एज ऑफ 16 अपनी करियर स्टार्ट की, तो उस टाइम पे एट दैट एज क्या आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि इतने आप पॉजिटिव होके इतने अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ इंस्पिरेशन नहीं है, पैशन विच टर्न इन टू प्रोफेशन, इट इज़ नेवर इंस्पिरेशन इज, सो बेसिकली इंस्पायर इज यू गेट इंस्पायर्ड बाई यान, ये है ऐसा स्कूल में, लेकिन आपका पैशन है तो आप इसको कंसीव कर सकते हैं। दो चीज़ों के अंदर फर्क होता है, एक होती है परसेप्शन और एक होती है कन्विक्शन। लोगों की परसेप्शन नहीं बनना, लोगों की कन्विक्शन बनना है, परसेप्शन अपने आप बन जाएगी। सर 18 ईयर्स के बाद आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप यान वापस से आ रहे हो, तो आपके कैसा लग रहा है आज? एक बार आया बट हाँ ऐसे अच्छे माहौल से नहीं, भैया से मिलने आया, आशीर्वाद लेने आ गया। इट फील्स ओल्ड स्कूल, इट फील्स आवर ओन, मतलब पराया नहीं लगता, कोई फॉर्मेलिटी। मुझे लगता है ना कि बड़ी यूनिवर्सिटी हो, बच्चे इधर उधर खेल रहे हो, ये हो रहा वो हो रहा, वैसा नहीं है। यहाँ पर पर्सनल है सब कुछ, यहाँ फैमिली है। यान के बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? प्लीज़ लिसन टू वीरा, अपार्ट फ्रॉम दैट Please listen to Veera. Okay, and if again I ask apart from that. Please listen to Veera. And share it too. Thank you. I need you. Work hard, party hard, passion will turn into profession. पैसे के पीछे मत भागना, पैसा आपके पीछे भागेगा, जबान है, इन मूछों की कसम। Hi, this is Sumit Sethi and you're watching Ian TV. No?